नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के प्रशासन पर स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। सोमवार को स्थानीय परिधि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी मौके पर निरीक्षण को नहीं पहुंचा है। यदि एम्स निर्माण में जुटी निजी कंपनी के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो प्रशासन की ओर से मौके पर पुलिस टीम भेज दी जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में लोगों की जमीनों व फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए मौके पर भेजने के लिए प्रशासन के पास अधिकारी व कर्मचारी तक नहीं है। एसडीएम की अध्यक्षता में पहले भी समझौता हुआ और एक भी काम जो है वो सीधे नीचे डालना काम हुआ। जो भी एसडीएम ने लिखित तौर पे जो एग्रीमेंट लोगों से किया था 1% काम भी नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 फसलें चली गई 3 सालों के अंदर। जो ये जो कंपनी है वहाँ पे इसकी जो काम कर रही है एम्स का, उनकी गलती की वजह से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। जो आदमी बोलता है उसको जो है ना, अगर वो कई दिहाड़ीदार ठेकेदार के पास लगा हुआ उसको नौकरी से निकाला जाता है, ऐसे कई केसेस आ गए। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बर्ताव जो है वो एक इनह्यूमन सा बर्ताव है और उसके खिलाफ हमारे को जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को कहा कि अब अगर मान लो मैं स्थानीय विधायक हूँ, मैं अगर इस चीज़ को नहीं उठाऊँगा तो इसका मतलब मैं अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि लोगों ने जो फैसला किया है कि हमने आगे को धरना देना है, कोई ब्लॉकेट करना है, तो उसमें मैं भी बतौर लोकल विधायक में उसमें शामिल हूँगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।